मंजिल की तलाश में लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सम्मानित मंच विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतीक, आन मान और शान के प्रतीक, हमारे होनहार खिलाड़ी, विश्वविद्यालय के गुरुजन, मेरे किसान और शहीद परिवारों के युवा साथी और पुलिस के हमारे साथी और मीडिया के प्रभारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, आज ऐतिहासिक दिवस है, गौरव का दिन है, क्योंकि अपने बल पर आगे बढ़ने वाला ये युवा विभिन्न मोर्चों पर लड़ते हुए आज यहाँ पहुंचा है। और इसकी शुरुआत मैं स्वयं से करना चाहूंगा और मेरा भाई प्रवीण कालेर भी उसी दौर से गुजरा है। मैंने पिछले 5 सालों में इस राजस्थान विश्वविद्यालय ही नहीं अभितु राजस्थान के प्रत्येक युवा, दलित, स्वर्ण, अल्पसंख्यक, प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है। लेकिन जब 5 साल बाद चुनाव का समय आया, सत्ता विश्वविद्यालय में कुछ जाति के षड्यंत्रकारियों ने लिंग समिति का लेकर मुझे शोषित करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं मुकेश भाकर आपके बीच हर पल था, हर पल हूं और हर पल रहूंगा। ये दौर भी देखा है तारीख की आंखों से, ये दौर भी देखा है तारीख की आंखों से, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मेरे सहयोगी आप हैं और आज का ये समारोह हमारी जीवंतता का प्रतीक है। मैं उन कमरों में छिपे कुछ लोगों से कहना चाहूंगा कि वो सार्वजनिक मंचों पर जाति के दुर्भावना फैलाना बंद कर दें, क्योंकि इस किसान और शहीद परिवारों के लोग जब आगे आएंगे तो उन्हें राजस्थान में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और साथियों, अंत में मैं उन्हें आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब यहाँ पधारे, इस प्रोग्राम को सफल किया और जब भी जरूरत महसूस होगी ये मुकेश भाकर आपके बीच रहेगा। जय भारत, जय हिंद।